हेलो फ्रेंड, नमस्कार। ये हमारा यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की लेके आए हैं हम। ये टेस्ट सीरीज ए है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और प्लीज़ कमेंट करके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही जाएं। और यहाँ पे एक से दो क्वेश्चन यहाँ पर उसका डॉट हो सकता है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये वनस्पति के नाम दिए हैं और बाद में क्षेत्र दिए हैं। कौन सी वनस्पति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? मक्खी जो है भूमध्यसागरीय तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। और ऑप्शन बी जो है पिम्बस, पिम्बस जो है वो आपका कहाँ पाया जाता है? वो आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और चैपरेल, चैपरेल जो है वो आपका कैलिफोर्निया में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये टेस्ट सीरीज ए है फ्रेंड। दूसरा देखते हैं, उज्बेकिस्तान ताशकंद, यहाँ पर वो उसकी राजधानी दी है और देश दिए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सबकी उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, और ताजिकिस्तान की जो है वो आपकी दुशांबे है। ये आपके मतलब राजधानियाँ जो हैं वो सही दी हुई हैं। तीस देखते हैं, यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र दिए हैं, तो आपको इसमें मिलान करना है कौन सा सही है इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिजीवी वनस्पति जो है वो आपके कहाँ पाई जाती है? भूमध्य सागर में पाई जाती है। और बबूल कहाँ पाई जाती है? आपके भूमध्य रेखीय में पाई जाती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन वन जो है, ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, किर्गिज जो है सूडान का नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, पांचवे का यहाँ पर आपका दोनों ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, और सही व्याख्या करता है। हिंद महासागर में कई वनस्पतियों का सैन्य अड्डा बना है गया है। तो ये सही है, हिंद महासागर में निकटवर्ती देशों के बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ हैं। जो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर छः है आपका, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिमी से पूरब निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम होगा? तो प्रश्न नंबर छः का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। ये पश्चिम से पूरब की ओर मिलवाया था। प्रश्न नंबर सात है, इसमें आपको बताना है दोनों सही है इसके, कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए जो है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूमध्य क्षेत्रीय हिमालय क्षेत्र है। और दूसरा है बी है, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो ये आपका दोनों सही हो जाएंगे, और आपकी एक व्याख्या सही करता है। नेक्स्ट देखते हैं, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एम सुंदर उदाहरण है, किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोवरीय मैदान का। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भृस घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबल, दामोदर, गंडक, रामगंगा। इसका राइट आंसर पूरा कंफर्म नहीं हो पा रहा फिर, चंबल लग रहा है, तो नमे का हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। इसका आप देख लीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में हम बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। 10 का देखते हैं, निम्नलिखित प्राकृतिक देश में कई बड़े शिकारियों भूमि का नाम जाना जाता है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा हम पर ऑप्शन डी, उत्तर कटिबंधीय सवाना प्रदेश। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। 11 का यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यहाँ दोनों दो सही हैं, दो तीन, पहला जो है गलत है। 12 का देखते हैं, अक्टूबर अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था? तो इन पर बताना था आपको 12 का। इसका राइट आंसर दो ए और बी दोनों सही हैं, और व्याख्या भी सही करता है। नेक्स्ट देखते हैं 12, निम्नलिखित युद्धों में से कालानुक्रम मतलब कालानुक्रम यहाँ पर समझाना है, व्यवस्थित करना है यहाँ पे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले आएगा कौन सा आपका? बिलग्राम का युद्ध, उसके बाद आएगा सरनाल का युद्ध, उसके बाद आएगा आपका धर्मत का युद्ध, उसके बाद आपका आएगा जजाऊ का युद्ध। नेक्स्ट है मतलब हठ योग के दर्शन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हठ योग आपका इसमें बताना था। इसमें 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर जी जो है दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 15 का, इसमें कौन सा सही नहीं है इसमें बताना है।
एकता व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। एकता से एक तीर राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, ये आपका गलत हो जाएगा। सोलह देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। यहाँ क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पुस्तकों के नाम दिए हैं और लेखक के नाम दिए हैं, तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तुगलकनामा जो है वो इब्न बतूता ने नहीं लिखा है, हुमायूं नामा गुलउद्दीन बेगम ने लिखा है। प्रश्न नंबर 17 हो जाएगा, नेबिट मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1872 में ये पारित किया गया था। नेक्स्ट है आंदोलन है उनके बस दिव्य, यहाँ पर सुमिलित करना थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पावना जो है वो आपका हुआ था आपका 1873-85 के बीच में हुआ था, और एका जो है वो आपका हुआ था कितना, 1922 में हुआ था। संथाल जो है वो आपका 1855-56 के बीच में हुआ था, और ताना भगत जो है वो आपका कब हुआ था, 1914 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं, भारतीय जैसलमेर अधिनियम और आपका यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है प्रश्न नंबर 19 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं, अगर आपके पास सीरीज दूसरी दी हुई है फ्रेंड, तो उसमें मैच कर सकते हैं, और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 20 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पहले कौन सा आएगा, पहले जो हुआ था आपका जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसके बाद हुआ था महात्मा गांधी दांडी यात्रा निकली थी, उसके बाद साइमन आयोग। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी, साइमन आयोग जो है सबसे बाद में आया था, पहले जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसके बाद दांडी यात्रा निकली थी, ये 1931 में फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गई थी, फिर साइमन आयोग आया था। मतलब दिखाना घटते घटते कालक्रम में लिखना है, ये बढ़ते कालक्रम में, घटते कालक्रम में घटनाओं को कालानुसार में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट की सही अत्यंत चुनिए। सबसे पहले क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा 20 का। नेक्स्ट देते हैं, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ पर चलाया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल किला नई दिल्ली में चलाया गया था। 22 का राइट आंसर क्या होगा, 22 का राइट आंसर यहाँ पर अभी पता नहीं है फिलहाल, इसका सर्च मारी जा रही है फ्रेंड, आपको गलत बताने से कोई फायदा नहीं है, ये छोड़ दीजिएगा 22 का। 23 का देखते हैं, राष्ट्रीय पंचांग का संबंध कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना एक सही है ना दो सही है, दोनों सही नहीं है यहाँ पे। 24 का है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा मतलब परीक्षण यहाँ पर पूछा गया, 24 का प्रश्न नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1976 में। 25 है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, तो इसका भी हम छोड़ देते हैं फ्रेंड, इसका भी कंफर्म नहीं हो पा रहा अभी। प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं, 26 का राइट आंसर होगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है, जो आपको पता होगा संविधान में कोई भी सबको एक सी मान्यता दी गई है। 27 का होगा, 27 का राइट आंसर क्या होगा, 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं। भारतीय संविधान के अंदर के राज्यों को संघ का अलग होने का अधिकार नहीं है, ये आपका सही है, अलग होने की मात्र वकालत करने की भविष्य स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ये आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 इसका राइट हो जाएगा। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा दूसरी द्वितीय अनुसूची, ये आपका गलत है, ये आपका कौन सा है, राज्यसभा का पांच में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं,
भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, प्रधानमंत्री कार्यकाल पीएमओ के संबंध निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? यहाँ पर आपके दोनों सत्य मतलब खाली एक सत्य होगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा में। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका 32 का राइट आंसर बताना ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिषेध, यह है टू बी सर्टिफाइड। नेक्स्ट है, 33 है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। नेक्स्ट है, सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ती है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोतिहारी तथा अमलेखगंज। 35 का आपको बताना था, 35 का राइट आंसर क्या होगा? 35 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, बाकू अजरबैजान। यहाँ पर भी सूचीबद्ध किया गया जयपुर के। नेक्स्ट है, आईएनएस के नियुक्त प्रबंधन निदेशक कौन थे? आईएमएफ के नव नियुक्त प्रबंधन निदेशक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टालिनी क्रिस्टालिना और जार्बिया की है, ये ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10, 2019 में प्रतिभावी बच्चों को कौशल बुद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ दिया गया राष्ट्रीय कार्य है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुव। 38 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ सम्मिलित करना था सूचीबद्ध सूची दो को, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थॉमस कुक जो है वो आपके ब्रिटिश टूर के, और ग्रेटा थर्बर्ग जो है वो आपके पर्यावरण कार्यकर्ता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 में अर्थव्यवस्था पर नोबेल पुरस्कार दूसरी बार विजेता महिला को दिया गया है, इस पुरस्कार को सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो एलिनार ओस्ट्रॉम, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छ रणनीति संबंधी में किस अवधि के से संबंधित, मतलब कौन सी अवधि तक लागू की गई है, यहाँ पूछा गया 40 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 से 29 तक, 2019 से 2029 तक। नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैसूर। नेक्स्ट है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930 वो 2030 तक। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस, मतलब आपको पता होगा GSLV-5, MK-3, M-1, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़े चरखे का संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है, मतलब यहाँ पूछा गया है, इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ था, ये सही है आपका। ये उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बनाए ही, तो ये भी सही है आपका, ये एक दो ही ऑप्शन टू इसका राइट हो जाएगा, दोनों सही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो किसका सफेद होता है, यहाँ पर ऑप्शन बी तिलचड्डा हो जाएगा, तिलचड्डे का रक्त जो है सफेद होता है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जिस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो आपका बी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, दालें, ये दालों के साथ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी साबुन के बुलबुले को अपेक्षित किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पूछा गया सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेयन रूपांतरित स्टार्च, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है?
तो आपका कपास जो है वो पिरेटिन नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्मस फ्लास्क के लंबे समय तक तरल गर्म तथा यह ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट हो जाएगा। 50 है क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए संचालन और संवहन एम विकिरण, ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एम बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नाशय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा जिप्सम। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पूछा गया है कौन सा सुमेलित सुमेलित जो है वो नहीं है, तो सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण है, तो आपका ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फिनाल एंड फ्लेवोनाइड। 55 है इकोसिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, तो प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक द्वितीय, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। नेक्स्ट है सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये दोनों सही हैं, ये जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, ये जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। नेक्स्ट है मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है, यहाँ पूछा गया नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता वृद्धि होती है, तो ये आपका गलत है। भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाएंगे आप तो उसकी जैव विविधता की कमी होती है, सबसे अधिक जैव विविधता जो है वो आपकी भूमध्य रेखा पर पाई जाती है, सबसे कम ध्रुवों पर पाई जाती है। प्रश्न नंबर 59 है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है, तो कौन सा है इसमें 59 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइकेन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फ्रेंड हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जल्दी मिलते हैं आपको इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।